प्यारे सात संगत जी प्यार से कहना। सात संगत जी, एक वो लाइन आपने सुनी हुई है, इश्क हकीकी में एक ही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कुछ कबूल है। संत महात्मा हमेशा इस निरंकार प्रभु परमात्मा की रजा में रहते हैं, भाने में रहते हैं, तभी संतों के लिए कहते हैं कि जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मानस स्थिति। इसलिए कि संत महापुरुष किसी सिचुएशन या कोई चीजों के साथ नहीं जुड़ते, वो हमेशा निरंकार को ही पहल देते हैं। वो ये नहीं कहते मेरे अकॉर्डिंगली हालात नहीं है, या जो मैंने चीज मांगी वो मुझे नहीं मिली तो ये परमात्मा नहीं है, और अगर जो मैंने चाहा हालात उनके उसके अकॉर्डिंग है और जो मैंने मांगा मुझे मिल गया तो ये प्रभु परमात्मा है। अगर दातार और दातों में उन्हें कभी कुछ चूज करना पड़े तो वो हमेशा दातार को ही चुनेंगे। सात संगत जी, बाबा जी से आपने एक वो उदाहरण भी सुना कि अगर एक पत्नी अपने पति से कुछ मांगती है, उसे कहती है कि लेके आना, और बाय चांस वो नहीं लेके आ पाता तो वो ये नहीं कह देती कि तू मेरा पति नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसे कहे तो इसका मतलब वो पति से नहीं उन चीजों से ज्यादा जुड़ी हुई है। Peace begins when expectations end. इसलिए संत महापुरुष हमेशा निरंकार को ही पहल देते हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं जीवन बिताने के लिए, हमें कामकाज भी करना पड़ता है, और जो रिश्ते बनाए हैं, दुनियावी रिश्ते इस निरंकार में बनाए हैं, उन्हें भी खूबसूरती से निभाना होता है। पर संत महापुरुष ये सब कुछ बहुत खूबसूरती से करते हुए भी निरंकार प्रभु परमात्मा को ही पहल देते हैं। जैसे वो गीत भी आपने सुना, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। बाबा जी ने भी हमें यही सिखाया कि दी एंड लाइन नॉट मी एंड लाइन। सात संगत जी, निरंकार से यही अरदास है कि इसी समर्पित भाव से, इसी दृढ़ विश्वास के साथ हर महापुरुष अपनी जिंदगी जीता जाए। प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।